हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आरएनजी के हम में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट डी, जो कि 14 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, मैंने ए बी सी डी चारों सेट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पास होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो आइए अपन देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1। ये तो आपको पता ही है कि निर्देश दिए हुए हैं। पहला प्रश्न 1 से 10 तक 1 अंक निर्धारित है, और प्रश्न नंबर 11 से 16 तक 2 अंक निर्धारित हैं, और 17 से 22 तक 3 अंक निर्धारित हैं, और 23 से 26 तक 5 अंक निर्धारित हैं। इस तरीके से 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आपको ये पूरे करने हैं। चलिए देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो आप सी वाला सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी को आप राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें पहला वाला आंध्र प्रदेश सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? गंगा और यमुना, नर्मदा और तृप्ति, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें सी वाला एकदम सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ। तो कब हुआ बच्चों? सन 1889 में, सन 1971 में, सन 1947 में, सन 1980 में। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन 1889 में अधिनियम का निर्माण हुआ था। अब अपन देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले गवर्नर जनरल बीरेन हेस्टिस थे बने। प्रश्न नंबर 7 है, प्राच्यवाद के प्रमुख आलोचक थे, खालिस्तान थे, तो कौन थे? जेम्स गिल। 8वां प्रश्न है बच्चों, अंगूर की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? विटीकल्चर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत एक राज्य है, कौन सा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। और प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय न्यायपालिका रूप से कार्य करती है, किस रूप से कार्य करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब अपन देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 से 16 तक। घुमंतु किसका मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? और 12वां वाला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और 13वां वाला है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, लिखिए। और 14 नंबर का प्रश्न है, संसद किसे कहा जाता है? और 15 वाला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? और प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो बच्चों, ये 2 मार्क्स के आपके थे। अब अपन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? और प्रश्न नंबर 18 है, चार्ल्स युद्ध ने क्या क्या संदेश लिखा था? और 19 वाला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब एवं किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। और प्रश्न 20 है, कृषि आधारित व खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। और प्रश्न नंबर 21 है, धर्म निरपेक्षता से क्या आशय है?
और प्रश्न नंबर 22 है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो बच्चों आपके 17 से 22 तक पूरे हो गए, जो कि 3 मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स इनके लिए निर्धारित किए गए। अब अपन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन किन बातों का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 24 है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। और प्रश्न नंबर 25 है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं भी दो मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 26 है, जन सुविधाएँ क्या होती हैं लिखिए। इस तरीके से आपके 1 से लेकर 26 तक पूरे क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों। आप इन चारों सेटों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप ज़रूर पास हो जाएंगे अच्छे अंक से। और यही इन चारों में से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लेके देख सकते हैं आराम से। और इन सब के क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी पुस्तिका में मिल जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।